नमस्कार, आप देख रहे हैं विद्रोही आनंद। मैं हूं आपके साथ नितिन त्रिवेदी। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। वाराणसी आ रहे पीएम मोदी, काशी के 45,000 किसान रैली में होंगे शामिल, प्रधानमंत्री देंगे ई नाम मंडी की सौगात। यूपी सरकार के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उपेंद्र तिवारी का बेतुका बयान, कहा मुट्ठी भर लोग ही चार पहिया वाहन का उपयोग करते हैं और उन्हें पेट्रोल की आवश्यकता होती है, 95% लोगों को पेट्रोल की आवश्यकता नहीं होती। उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा हमीरपुर पहुंचे, सदर इलाके के यमुना ब्रिज पर सैकड़ों भाजपाइयों ने किया जोरदार स्वागत। महंगाई पर उप मुख्यमंत्री बोले, सरकार का महंगाई पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रहा है। यूपी में मुख्यमंत्री योगी बोले, 1990 में भाजपा सरकार होती तो कोई राम भक्तों पर गोली चलाने का दुस्साहस नहीं करता। यूपी चुनाव 2022 में पूर्वांचल के 30% भाजपा विधायकों के टिकट खटने में, बीएल संतोष ने लिया प्रत्येक विधानसभा का फीडबैक। योगी सरकार का दावा, यूपी में 68 लाख युवाओं को दिसंबर में मिलेगा टैबलेट और स्मार्टफोन, 90% युवाओं को मिलेगा टैबलेट। यूपी इलेक्शन 2022 में शिवपाल यादव बोले, भाजपा छोड़ किसी से भी करेंगे गठबंधन, सपा को देंगे प्राथमिकता। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने यूपी सरकार पर साधा निशाना, कहा अगर खुद ही मददगार बनना है तो सरकार का क्या काम। अमिताभ ठाकुर के उत्पीड़न को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पुलिस कमिश्नर से मांगा जवाब। सुभाषपा के अध्यक्ष बोले, सपा के साथ गठबंधन का मऊ से करेंगे ऐलान, भाजपा सरकार सत्ता से होगी बाहर। लखनऊ, मोहन भागवत से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राम मंदिर सहित कई मुद्दों पर हुई बात। जौनपुर में भरभरा कर गिरा कच्चा मकान, 5 लोगों की दबकर मौत, 6 की हालत गंभीर। कोरोना टीकाकरण में देश ने रचा इतिहास, वाराणसी में वरुण राय को लगा 125 करोड़ टीका। यूपी में 12 वफात के जुलूस के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी, वीडियो वायरल होने पर पुलिस जांच में जुटी। रोडवेज कर्मी 2 नवंबर को आधी रात से करेंगे चक्का जाम, अपनी मांगों को लेकर कर्मियों ने मुख्यालय पर किया प्रदर्शन। ऐसी खास खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें विद्रोही आनंद। हर खबर पर होगी आपकी पकड़, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।